गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू वाट आई विल टीच टूडे. टूडे आई विल टीच इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स अ फील्ड ड्यू टू चार्ज अराउंड इट. किसी भी चार्ज के कारण उसके चारों ओर जो फील्ड क्रिएट होता है, दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज करते हैं कि कोई चार्ज क्यू है, उसके चारों ओर कोई चार्ज, कोई फील्ड क्रिएट है क्यू, ठीक ना. तो उसके फील्ड को हमको मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज हम उसके पास लाएंगे. तो वह चार्ज, पहले वाले चार्ज के कारण एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा. तो जिस पॉइंट पर वह फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उस पॉइंट पर फर्स्ट वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होती है. तो उसी को पहले वाले चार्ज के कारण, फर्स्ट चार्ज के कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई, तो द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, प्लेस्ड एट द पॉइंट, जो कि किस पॉइंट पर प्लेस्ड है, रखा गया है, दैट फोर्स इज कॉल्ड, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. कहने का मतलब है कि किसी चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, ठीक ना. तो उसमें कोई दूसरा चार्ज ला रहे हैं, तो वह चार्ज जो ला रहे हैं उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट पर, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बोलेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड. हम कंसीडर करते हैं कि कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू जीरो, क्लियर. कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू जीरो है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स एफ. व्हेन प्लेस्ड एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऐसे पॉइंट पर हम उसको प्लेस कर रहे हैं जिस जहाँ पर हमको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है. तो हम क्या करते हैं भाई, पहले कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू जीरो है, वह जो है कि एक्सपीरियंस कर रहा है क्या, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कहाँ पर, व्हेन प्लेस्ड एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पर हम उस टेस्ट क्यू जीरो को प्लेस कर रहे हैं. देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज गिवन बाई, तो जिस पॉइंट पर ऑब्जर्व करना है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई को फॉलोइंग फॉर्मूले से हम जो है कि ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज. मतलब कि उस पॉइंट पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उस पर एक्ट होने वाले फोर्स और जो टेस्ट चार्ज है इसके मैग्नीट्यूड के रेशियो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मीन्स इक्वल एफ बाई क्यू जीरो. उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उस टेस्ट चार्ज पर करने वाला फोर्स और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड के रेशियो को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और एफ इक्वल क्यू इंटू ई, इसको भी हम जो है कि कह सकते हैं एफ इक्वल क्यू इंटू ई. ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच विल जस्ट बैलेंस अ न्यूट्रॉन ऑफ मास एम के जी टेक जी इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड. कह रहा है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है जो एक न्यूट्रॉन को बैलेंस किया हुआ है.
उस ड्यूटान को वह फील्ड बैलेंस किया हुआ है, ठीक ना, तो उस फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम जानते हैं लेडस, हम कंसीडर करेंगे कि लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस किया है उसको ई हम कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड द दैट विल बैलेंस द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ई को फाइंड करना है जो कि ड्यूटान को क्या किया है, बैलेंस किया हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे कि ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यूट्रॉन, जो कि ड्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन है उसके वेट को बैलेंस किया हुआ है, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई इक्वल एम जी, एम जी क्या है भाई, तो जो वेट जो फोर्स है ड्यूट्रॉन का उसका वेट उसको बैलेंस किया हुआ है, तो जो फोर्स हो रहा है उसको बैलेंस किया कौन चीज, क्यू इंटू ई। तो हमें फाइंड क्या करना है, ई, तो इक्वल क्या हो जाएगा भाई, तो एम इंटू जी बाई क्यू, ठीक है ना। हमारे पास गिवन वैल्यू में क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एम की वैल्यू 3.2 इंटू 10^-27, ये जी की वैल्यू और ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल अब 10 इंटू 3.2 इंटू 10^-, ये हो गया आपका 3.2, ये 10 है आपका 10 इंटू 3.2 इंटू 10^-27 इंटू ये 19 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का प्लस 1.6। अब 1 इसको इंटू कर देंगे तो 32 हो जाएगा, ये 10 से इसमें एक डिसमिल जो है कि डिस्प्लेस हो जाएगा, तो 30/, और इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो 10^8 हो जाएगा, 1.6 इसको डिवाइड कर देंगे तो 20 टाइम में जो है कि डिवाइड हो जाएगा, तो 20 × 10^8, ठीक है। और एक प्लेस इसमें डिसमिल और यहाँ पर जीरो को प्लेस कर देंगे तो 2 × 10^7, ठीक ना। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब हमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि क्रिएट है तो उसको फाइंड करना है। हम सपोज कर लेंगे, ये डायग्राम देख रहे हैं ना, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लस, देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस किया गया है, हम कंसीडर कर लेंगे कि एक ओरिजिन पॉइंट ओ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लेस किया गया है, फर्स्ट पॉइंट का है, प्लेस्ड एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रेम, यहाँ पर ओ पर प्लस क्यू चार्ज क्या कर देगा, प्लेस कर दिया गया है। कहेंगे लेट, अब सपोज करना है कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है भाई, तो लेट पी बी द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिटरमाइन करना है, कहाँ करना है भाई, पी पर, इस ओरिजिन पॉइंट से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है और यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, किस इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो उसको हम इस पॉइंट पर डिटरमाइन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, ठीक, प्लेस कहाँ है भाई, तो प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ ऑफ द कोऑर्डिनेशन फ्रेम, यहाँ पर ओ प्लेस है। अब हमें क्या करना है, तो इसके कारण जो है कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज आर डिस्टेंस एक पॉइंट पी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, तो लेट कर लेंगे हम पी बी द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिटरमाइन ड्यू टू प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। फिफ्थ नंबर, लेट ओ पी द
OP equal R be the position vector of point P. ये O और P ये position vector है. तो अब हम according to कूलम्ब्स, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि दो चार्ज के बीच एक्ट करने वाला फोर्स. अभी यहाँ पर कौन कौन दो चार्ज है, तो एक है आपका ओरिजिनल चार्ज प्लस क्यू और एक है टेस्ट चार्ज क्यू यू. तीन दोनों के बीच फोर्स, क्योंकि इसी पर एक्सपीरियंस फोर्स को हमको फाइंड करना है. तो इस पर जो फोर्स इस चार्ज के कारण जो एक्ट होगा कूलम्ब के अकॉर्डिंग, हम लोग क्या होता है, हम लोग जानते हैं कूलम्ब के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू जीरो ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज गिवन बाय, मतलब टेस्ट चार्ज क्यू जीरो पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है चार्ज क्यू के कारण, इस चार्ज प्लस क्यू के कारण इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है कूलम्ब के कारण क्या हो जाएगा, एफ इक्वल वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू ओरिजिनल चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज दोनों चार्ज बाई आर स्क्वायर. और ये आर वेक्टर है जो कि यहाँ पर ओरिजिनल पॉइंट से इसको डिनोट किया गया है. ठीक ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट हो गया. अब देखते हैं, कह रहा है कि वेयर आर इज द यूनिट वेक्टर चार्ज. आर क्या है भाई, यूनिट वेक्टर चार्ज एलॉन्ग ओ ओ पी, इस ओ और पी से जो एलॉन्ग है. अब कह रहा है कि इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और पॉइंट इस पी पर ये ई इलेक्ट्रिक चार्ज हम सपोज करते हैं इस पॉइंट पी पर, तो क्या लिखेंगे, ई इक्वल हम लोग जानते हैं एफ बाई क्यू जीरो, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा. ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ई इक्वल एफ बाई क्यू जीरो इक्वेशन नंबर सेकंड. अब क्या करेंगे, तो पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से एफ की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल. अब एफ की वैल्यू क्या है भाई, तो यहाँ पे मिल क्या है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इंटू क्यू जीरो बाई आर स्क्वायर आर वेक्टर, तो लाकर यहाँ पुट कर दीजिए ई इक्वल वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू इंटू क्यू जीरो बाई एफ की वैल्यू आप बाई क्यू जीरो, यहाँ एफ की वैल्यू पुट कर दिया, या नीचे क्यू जीरो है तो क्यू जीरो नीचे लिख दीजिए और ऊपर एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए. अब इस क्यू जीरो से इस क्यू जीरो को कैंसिल कर दीजिए, तो उस कंडीशन में अब लास्ट क्या होगा, तो ई इक्वल ये वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर. ठीक है ना, तो ये किसी भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है ना, हमें ये होगा ई इक्वल वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन हमको मिलेगा. तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर जो क्यू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, उस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या होगी, ई इक्वल वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बाई क्यू जीरो, ये हो गया. ठीक है ना, ओके.